हेलो फैमिली, वेलकम टू श्री सिद्धार्थ प्रॉपर्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल विश यू वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। जैसे कि आप लोगों की उम्मीद रहती है कि कोई भी हमारे इंडिया के अंदर कोई भी फेस्टिवल आता है, कोई भी त्यौहार आता है, तो प्रॉपर्टी डीलर्स बिल्डर्स जो है कुछ ना कुछ ऑफर निकालें। तो इस बार भी हमने रिपब्लिक डे पर ऑफर निकाल रखा है। टीवी, फ्री टीवी का हमारा ऑफर चल रहा है। इस मंथ में आप कभी भी हमारा कोई भी फ्लैट बुक करते हैं, उसके अंदर आपको एक टीवी फ्री मिलता है। अब अगर इस फ्लैट की बात करें तो 60 गज का हमारा एक फ्लैट है, 200 गज की बिल्डिंग के अंदर, राजापुरी एरिया के अंदर है, जहाँ पे आपको डेली आपको पानी मिलता है, सीवर लाइन की अच्छी कनेक्टिविटी है, BACS की बिजली आती है, और साथ में अगर मेन रोड की बात की जाए तो द्वारका का मेन रोड हार्डली यहाँ से 3 से 4 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अगर इस प्रॉपर्टी से मेट्रो की बात की जाए तो मेट्रो हमारा हार्डली यहाँ से 1 से 1.25 किलोमीटर के डिस्टेंस पे मेट्रो मिल जाता है। उत्तम नगर ईस्ट का सेक्टर 12 हमारा 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास है। 2 BHK का हमारा फ्लैट है, लिफ्ट कार पार्किंग के साथ फ्लैट है, फ्रंट साइड का फ्लैट है, 20 फीट फ्रंट में रोड है, डबल वॉशरूम के साथ हमारा फ्लैट दे रखा है। साथ में इस फ्लैट के अंदर जो है हम पंखे हो गए, चिमनी हो गई और पर्दे जो है आपको फ्री दे रहे हैं। इंटरकॉम की हमारी फैसिलिटी लगी हुई है इस फ्लैट के अंदर। एक फ्लोर पर 3 यूनिट है। इसके बैक साइड की मैंने आपको 70 गज की वीडियो पहले भी डाल रखी है, उसमें सिर्फ एक ही फ्लैट बचा हुआ है, उसका भी जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो उसको भी जरूर चेक करें। अगर इस फ्लैट की बात करें तो सिर्फ हमारे पे 2 ही ऑप्शन अवेलेबल है इस फ्लैट के अंदर, सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर हमारा रूफ राइट के साथ में, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि रूफ राइट के साथ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स आती हैं, ज़्यादा नीड्स होती हैं। तो चलिए अब जो मैं आपको अपना बारी बारी से अपना फ्लैट दिखाता हूँ और पार्किंग दिखाते हैं। फ्रंट से हमारा पार्किंग का एरिया, नीचे पूरी स्ट्रीट कार पार्किंग दे रखी है 200 गज की। अगर इस तरफ देखेंगे एंट्री गेट दे रखे हैं हमारी गाड़ियों के लिए, 2 गेट मिल जाते हैं, दोनों के काफ़ी अच्छा साइज दे रखा है, इजीली आपकी गाड़ी जो है आ जाएगी। इस तरफ देखेंगे तो BACS के मीटर लगे हुए हैं। पार्किंग आगे हमारी, पार्किंग के अंदर आपका गाड़ी का स्पेस है, यहाँ पे आपका जाल लगा हुआ है मोटर्स का, इजीली आपके यहाँ पे कनेक्शन हो जाएंगे दिल्ली जल बोर्ड के। ये हमारा लिफ्ट का सेक्शन आ गया, लिफ्ट का भी काम चल रहा है, लिफ्ट चालू होने रहती है। इस तरफ देखेंगे तो ये हमारा स्टेयरकेस पे SS की रेलिंग्स दे रखी है, साथ में आपका ग्रेनाइट यूज़ करा हुआ है मार्बल फ्लोरिंग के लिए, और काफ़ी अच्छी जो है हाइट रखी है कि ईजिली आप कंफर्टेबल चढ़ जाएं। पीछे भी हमारी पूरी पार्किंग दे रखी है, ईजिली आपकी यहाँ पे कार्स खड़ी हो जाएंगी, बाइकों का स्पेस है। जब हम आगे अपने फ्लोर के ऊपर, ये हमारा लॉबी एरिया जाता है, यहाँ पे लिफ्ट दे रखी है, बहुत ही स्पेशियस लॉबी एरिया है, यहाँ पे आप अपने ईजिली जो है शू रैक वगैरह बाहर रख सकते हैं। ये हमारा स्टेयरकेस का एरिया हो गया, SS की रेलिंग दे रखी है स्टेयरकेस में। चलिए हम एंट्री करते हैं अपने फ्लैट की तरफ। ये हमारा फ्रंट साइड का फ्लैट है 60 गज का। सबसे पहले एंट्री गेट की अगर बात की जाए तो 8 फीट का एंट्री गेट मिलता है, दोनों तरफ हाई ग्लो सनमाइका का यूज़ करो है, साथ में आपको हैंडल लॉक मिल जाता है। लिविंग रूम में आ गए हैं हम। अगर लिविंग रूम के साइज़ की बात करें तो 11x12 का स्पेसियस हमारा लिविंग रूम है 60 गज के अंदर, जिसके अंदर अगर आप इस तरफ देखना चाहें तो ईजिली आप अपना एल टाइप का सोफा प्लेस कर सकते हैं। 7 से 8 पीपल्स की ईजिली सिटिंग हो सकती है, पफीस आ जाएंगे आपकी, सेंटर टेबल आ जाएगी। फ्लोरिंग की बात की जाए, विट्रीफाइड टाइल्स की हमने डिजाइनर टाइल्स लगा रखी हैं, एंटी स्किड्स हैं, साथ में स्क्रैचलेस हमारी टाइल्स हैं, बहुत ही डिजाइनर फॉल सीलिंग दे रखे फ्लैट के अंदर। फॉल सीलिंग के अंदर आपको LED लाइट्स मिल जाती हैं, कोबलाइट्स मिल जाती है वॉर्म कलर में। और अगर आप इस तरफ देखना चाहेंगे तो हमारा 3D वॉलपेपर आ जाता है, पूरी वॉल पे हमने 3D वॉलपेपर लगा रखा है, जिसकी बहुत अच्छी ग्रेस आ रही है, काफ़ी अच्छी लुक आ रही है। साथ में AC के लिए हमने यहाँ पे स्प्लिट AC का प्रोविजन दे रखा है, आप इजीली अपना इंडोर यहाँ पे फिटिंग करवाइए और साथ आपका आउटडोर जो है वो बाहर हो जाएगा। अगर TV की बात करी जाए तो यहाँ पे आप अपना इजीली TV इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि हम आपको एज अ गिफ्ट देने वाले हैं अगर आप इस मंथ के अंदर हमारा ये फ्लैट बुक करते हैं। चलिए हम चलते हैं सबसे पहले अपने फर्स्ट बेडरूम की तरफ। ये हमारा फर्स्ट बेडरूम हो गया। बेडरूम के साइज की बात करी जाए, 10x12 का स्पेसियस बेडरूम मिलता है, जिसके अंदर आपको इधर देखेंगे तो हाईलाइटेड वॉल दे रखे हमने, बहुत ही अच्छा वॉलपेपर है, काफी अच्छी लुक आ रही है वॉलपेपर की। साथ में अगर फॉल सीलिंग की बात की जाए तो हैवी फॉल सीलिंग दे रखी है, आपको LED लाइट्स एंड कोबलाइट्स मिलती है फॉल सीलिंग के अंदर, पंखे हमने इंस्टॉल कर रखे हैं। नेचुरल वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे शाफ्ट मिल जाती है,
शाफ्ट में आप अपना जो है एसी इंस्टॉल कर सकते हैं, एक छोटा आधा एक टन का एसी आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर इस वॉल पे देखेंगे तो यहाँ पे हमने जो है टीवी का प्रोविजन दिया है, आप इजिली अपना टीवी यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने किचन की तरफ। जो हमारा किचन है, किचन मोस्टली फैमिलीज आजकल जो है किचन का ओपन को लाइक नहीं करती हैं, तो हमने यहाँ पे पार्टीशन वॉल दी है, 5 फीट तक की वॉल है, उसके बाद आपको ग्लास दे रखा है जो कि अच्छी लुक दे रहा है काफी। यहाँ पे हमारा किचन आ जाता है, किचन के पास एक लॉबी भी मिलती है हमें छोटी सी, यहाँ पे आप अपना इजिली फ्रिज वगैरह रख सकते हैं, काफी स्पेस मिलता है फ्रिज के लिए। साथ में अगर इस तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी स्पेस दे रखा है, कोई भी आप अपना एक्वेरियम वगैरह एक्स्ट्रा चीज वगैरह जो है यहाँ पे आप इजिली अपना रख सकते हैं। किचन की बात करी जाए तो 6 बाय 8 की किचन है, बहुत ही स्पेशियस किचन दे रखी है। साथ में आपको पूरी मॉड्यूलर किचन मिलती है, नीचे हमने बास्केट्स दे रखी हैं, एसएस की सारी बास्केट्स हैं। टॉप की बात करी जाए, ग्रेनाइट का टॉप दे रखा है, काफी अच्छे फिनिश के अंदर टॉप है। ऊपर हमारा रेडिश किचन का कैबिनेट्स है जिसके अंदर आपको ग्लास मिल जाता है, ग्लास वर्क कर रखा है, आप यहाँ पे इजिली अपना क्रॉकरी वगैरह रख सकते हैं। इधर हम आपको एक चिमनी इंस्टॉल करके देंगे और किचन के अंदर जो है एक बहुत ही सुंदर हमने लाइट दे रखी है, फैंसी लाइट मिल जाती है। इस तरफ हमारा सिंक आ गया, सैनिटरी फिटिंग्स अभी हमारी लगनी बाकी है किचन के अंदर। किचन पूरे फ्लैट के अंदर ही सैनिटरी फिटिंग अभी रहती है, जब आप शिफ्ट करेंगे उससे हफ्ता पहले जो है आपकी सैनिटरी फिटिंग लग जाएगी। हम चलते हैं अपने कॉमन वॉशरूम की तरफ। अगर कॉमन वॉशरूम की बात करी जाए तो बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम दे रखा है कॉमन वॉशरूम हमारा, जिसके अंदर आपको जो है 5 बाय 6 का वॉशरूम है। यहाँ पे हमारा शावर पैनल वगैरह आ जाएगा और साथ में आपके जो है सैनिटरी फिटिंग्स लग जाएगी। इस तरफ देखेंगे तो डब्ल्यूसी इंस्टॉल होनी रहती है, पूरी वॉल टू वॉल टाइल वर्क करा हुआ है हमने, साथ में वेंटिलेशन के लिए शाफ्ट दे रखी है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं अपने सेकंड बेडरूम की तरफ, जो कि हमारा मास्टर बेडरूम है। अगर इस बेडरूम की साइज की बात करी जाए तो ये भी अंदाजन 10 बाय 11 का हमारा बेडरूम है, जिसके अंदर आपको अटैच वॉशरूम मिल जाता है। साथ में अगर इस तरफ देखेंगे तो हमने एक अलमीरा दे रखी है जो कि आपकी मूवेबल अलमीरा है, आप अपने अकॉर्डिंग इस अलमीरा को रख सकते हैं, दोनों बेडरूम में से किसी में भी आप रख सकते हैं। अगर इस तरफ देखेंगे तो हाइलाइटेड वॉल मिलती है हमारी, बहुत ही डिसेंट सा हमने वॉलपेपर लगा रखा है जो कि काफ़ी अच्छी लुक भी दे रहा है। और साथ में अगर फॉल सीलिंग की बात करी जाए तो बहुत ही हैवी फॉल सीलिंग दे रखी है, यूनिक फॉल सीलिंग है, काफ़ी अच्छी ग्रेस आ रही है। और साथ में जो हमारी रूफ है, सीलिंग है, उसके अंदर भी वॉलपेपर पूरा इंस्टॉल कर रखा है। रूम की वेंटिलेशन की बात करें तो यहाँ पे हमारी विंडो मिल जाती है जिसके अंदर आप अपना विंडो एसी इंस्टॉल कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा साइज है विंडो का। इस तरफ देखना चाहेंगे तो टीवी का हमने प्रोविजन दे रखा है, आप अपना टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं इस वॉल पे। चलिए हम आपको बालकनी दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फ्रंट साइड का फ्लैट है तो हमारी फ्रंट की बालकनी है, यहाँ पे आपको बालकनी मिलती है, बालकनी में हमने टफन ग्लास लगा रखा है। इस तरफ देखेंगे तो आपका वॉशिंग एरिया आ जाएगा, ड्रेनेज है, सैनिटरी है, साथ में आपका इलेक्ट्रिक पॉइंट दे रखे हैं। साथ में इस बेडरूम से अटैच हमारी टॉयलेट भी दे रखा है हमने, वॉशरूम दे रखा है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूसी लगनी है तो इजिली आप अपने डब्ल्यूसी लग जाएगी। साथ में वॉल टू वॉल टाइल वर्क करा हुआ है और काफी अच्छे स्पेस दे रखा है। तो फ्रेंड, जैसे कि आपने हमारी ये वीडियो देखी, 60 गज का हमारा 2 BHK फ्लैट है, डबल वॉशरूम के साथ में, राजापुरी की लोकेशन के अंदर, जहाँ पे आपको ना तो कभी पानी की दिक्कत होती है, ना लाइट की दिक्कत होती है और ना ही ट्रैफिक का इशू आता है। उत्तम नगर के अंदर मोस्टली जो आपके 2 मेजर इशू हैं वो यही है कि एक ट्रैफिक बहुत होता है नजफगढ़ रोड पे, और दूसरा पानी जो है एक दिन छोड़ के एक दिन आता है। तो राजापुरी के अंदर आपको डेली पानी मिलेगा, कार पार्किंग दे रखी है, लेफ्ट है, फ्रंट साइड का फ्लैट है, टॉप फ्लोर भी अवेलेबल है रूफ राइट के साथ में, बहुत ही अच्छा फ्लैट बना रखा है, स्पेस भी काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज करा हुआ हमने। साथ में कर्टेंस भी दे रहे हैं, पंखे भी दे रहे हैं, चिमनी अभी लगनी रहती है। अगर इस फ्लैट की प्राइस की बात की जाए तो 26.25 लाख रुपए का हमारा फ्लैट है, लिफ्ट, कार पार्किंग, फ्रंट साइड का, 60 गज का कारपेट एरिया, कवर्ड एरिया, 65 गज का फ्लैट, 80 से 90% ईजिली लोन अवेल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बहुत जल्दी मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।